morning to everyone. How are you all? Today we are going to learn Standard 3 Hindi. So open your Hindi's workbook, page number 25, and let's learn the poem Khadi, yani ki clock. So main yahan pe poem ko read kar rahi hu. You can see in your workbook. Then after hum learn karenge. So टिक टिक करती चलती घड़ी, आया कभी ना करती घड़ी, सुबह सबको जगाती घड़ी, समय का ज्ञान कराती घड़ी। तो यहाँ पे क्या दिया है, घड़ी के बारे में है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में बताया है। तो घड़ी क्या करती है, टिक टिक चलती रहती है, यानी कि जब भी उसके सेल खत्म हो जाए तो ही वो रुकती है। देन आफ्टर वो हम तो सो जाते हैं, बैठ जाते हैं, राइट, पर खड़ी कभी भी नहीं थकती है, वो ऑलवेज चलती रहती है जब तक वो चालू हो। आराम कभी ना करती खड़ी, वो कभी भी वेस्ट नहीं करती है। सुबह सबको जगाती खड़ी, समय का ज्ञान कराती खड़ी। तो हमें कहीं पे जाना होता है या फिर ऑफिस में जल्दी उठ के काम करना होता है, आपको स्कूल जाना है, राइट, तो कहीं पे भी हमें जाना है, कुछ काम करना होता है, तो हम अलार्म लगा देते हैं या फिर क्या करते हैं, अलार्म के बिना ही टाइम देख लेते हैं कि कितने बजे है, मुझे यहाँ पे जाना है, कितने बजे है, मुझे होमवर्क फिनिश करना है, कितने बज गए हैं, हमें जल्दी जल्दी क्विक करके काम फिनिश करना है। तो सबका जो काम होता है वो घड़ी के हिसाब से चलता है, राइट, इन टाइम जोन। समय का ज्ञान कराती घड़ी, यानी कि वो बियॉन्ड टाइम होता है, समय का ज्ञान कराती है। तो पूरा जो हमारा दिन का शेड्यूल होता है, राइट, सबसे पहले मॉर्निंग में हम स्टार्ट करें तो उठ के पहले हम फ्रेश अप होके नाश्ता करते हैं, देन आफ्टर काम कर लेते हैं। आप बच्चे हो, राइट, चिल्ड्रंस होते हैं, तो आपको होमवर्क करना होता है, लर्न करना होता है। स्कूल जाती तो आप स्कूल जाते थे, मम्मी होते हैं तो वो वॉकिंग वूमेन हो तो वो काम ही करते हैं और अपने जॉब पे भी जाते हैं। पापा हो तो पापा को भी देख लो, ऑफिस में जाते हैं काम करने के लिए, बाहर जाते हैं, राइट, और पूरा शेड्यूल इस तरह से होता है। देन आफ्टर हम दोपहर का खाना खाते हैं, फिर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। तो ये पूरा जो शेड्यूल होता है वो टाइम के हिसाब से होता है, राइट, बिना टाइम के भी कुछ हो सकता है, राइट। पहले जब भी वॉच की वो खड़ी की शोध नहीं हुई थी, राइट, यानी कि खड़ी बनी ही नहीं थी तभी, तो उससे पहले क्या था, उससे पहले वो सनराइज और सनसेट ऐसे पूरे का पूरा दिन जो विलेज में चला जाता था बिना टाइम देखे भी, कि सूर्य निकलना है तो चलो अभी उठ जाना है, काम में लग जाना है, सनसेट हो चुका है, इट मीन्स अब संध्या ढलने को आई। फिर चलते रहो की सीख देती घड़ी, चलते रहो यानी काम करते रहिए, बैठिए मत, आलस मत कीजिए, वक्त का मूल्य सिखाती घड़ी। तो वो हमें टाइम वैल्यू सिखाती है, राइट, अगर हम रोज ऐसे ही उठे फिर बैठे फिर कुछ ना कुछ करे ही नहीं, राइट, तो आपको घड़ी तो चलती रहेगी, फिर आपको क्या होगा, धीरे धीरे आपकी अंदर की जो आलस है वो ऐसे ही स्प्रेड होती जाएंगे, फिर आपको कुछ करने का मन ही नहीं होगा, तो हम बीमार पड़ जाएंगे, राइट। तो हमारा कुछ शेड्यूल इस तरह से है तो वो बिगड़ जाएगा, राइट, तो वो वैल्यू सिखाती है। अगर हम वक्त पे कुछ ना करें तो, जैसे कि मुझे भूख लगी है, राइट, पर मैं वक्त पर मैं खा ही ना, मैं ऐसा सोचूंगी नहीं मैं खा लूँगी, मैं खा लूँगी, अभी तो 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, तो इस तरह से मैं कुछ अपना रूटीन तय ही ना करूँ और जब घर में आए वो मैं करने लगूँ तो मेरी सेहत तो बिगड़ ही जाएगी, पर मेरा जो काम है रोज रोज का वो भी फिनिश हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे आपको रोज लर्न कराते हैं, राइट, पर अगर आप ऐसा सोचे देख नहीं हम 1 घंटे में 2 घंटे में 3 घंटे में पूरा कर लेंगे, पर इसी हिसाब से आप अगर सोचे तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन इस तरह से चला ही जाएगा, फिर आपका कोई काम भी नहीं होगा, होमवर्क भी रह जाएगा, तो आपको वो बाद में क्या होगा, फिर एक ही साथ सब कुछ आपको वो करना पड़ेगा। तो ये टाइम वैल्यू सिखाती है, समय को समझाती घड़ी, टिक टिक करती चलती घड़ी, तो ये हमें टाइम की वैल्यू सिखाती है, समझाती है कि
सब कुछ एक टाइम में ही पर्टिकुलर करना चाहिए, राइट। हमने कुछ डिसाइड किया है, कुछ तय किया है, जैसे कि हमने पूरा शेड्यूल बनाया है कि नहीं आज मैं 7 o'clock राइट 7 बजे उठ जाऊंगा या फिर उठ जाऊंगी, 9 बजे मैं फ्रेश होकर नाश्ता करके लर्न करने बैठ जाऊंगी, देन आपने थोड़ा बहुत टीवी या फिर वो खेल के मैं फिर से खाना खाने के बाद सो जाऊंगा, देन आफ्टर थोड़ी देर फिर से लर्न करने बैठ जाऊंगा। ये मॉर्निंग टू टिल टू नाइट ये पूरा शेड्यूल हो जाता है, सबका डिफरेंट होता है, मम्मी पापा हमारा हमारे दोस्तों का सबका शेड्यूल डिफरेंट होता है। पर यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्या आपको देखना है कि ये जो भी आप काम हाथ में लो तो वो टाइम से ही पूरा हो, राइट। थोड़ा सा चलता है पर बिना टाइम के बिना शेड्यूल के आप कुछ भी ऐसे ही करते जा रहे हो तो ये ठीक बात नहीं होगी। सो यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी है, शब्द को चुनकर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स यानी कि वो पूर्ण करें, तो पूरा करना है आपको वो। सो फर्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स, कोष्ठक से सही शब्द को चुनकर पंक्ति पूर्ण करो। सो फर्स्ट वन से है टिक टिक करती डैश खड़ी तो चलती, समय का डैश कराती खड़ी तो बना, देन आफ्टर डैश सबको जगाती घड़ी तो सुबह, डैश रहो की सीख देती घड़ी तो चलते रहो, देन आफ्टर समय को डैश है घड़ी तो समझाती, देखो और समय लिखो, लुक एट द क्लॉक एंड राइट द टाइम। तो यहाँ पे आपको पहले ये फाइंड आउट करना है कि घड़ी में देख करके अभी कितने बजे है, राइट। जैसे कि आप अभी ये क्लास कर रहे होंगे तब आप देख लीजिए कि हमारे क्लॉक में कितने बजे है, मैं कितने बजे पढ़ने या फिर पढ़ने बैठा या फिर बैठी, तो वो इस तरह से आपको क्लॉक को रीड करना है यानी कि समय आपको आ जाएगा कि घड़ी में कितने बजे है। तो यहाँ पे आपको 4 क्लॉक्स दी है, राइट। जैसे कि फर्स्ट वन, तो फर्स्ट वन आपको क्लॉक दी है तो उसमें कितने बजे है, 4 o'clock। तो घड़ी कुछ इस तरह से होती है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, राइट। फिर घड़ी के कांटे होते हैं तो आपको कुछ इस तरह से दिया है और यहाँ पे कुछ इस तरह से, राइट। तो ये कितने बजे है, 4 बजे है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 4 o'clock यानी कि 4 बजे है। फिर दूसरा दिया है तो उसमें ये निकाल के आपको यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे 12 और 1 के बीच में 5 मिनट्स है। यहाँ पे आपको देख सकते हो कि घड़ी में आप जब भी ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे डिजिट के प्लेस में यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ 12 लिखा होता है और यहाँ पे 1 तो बीच में 5 सेकेंड्स काउंट होती है, तो यहाँ पे ये 5 मिनट्स का गैप है, तो यहाँ पे 4 बज गए हैं। फिर यहाँ पे 4, 5, 4, 10, 4, 15 तो दूसरा वाला है उसमें 4, 15 यानी कि 4:15, राइट। फिर देन आफ्टर आपको ये लिख दिया, दो देन आफ्टर आपको कुछ इस तरह से दिया है कि नीचे की ओर, तो यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25 and 4:30 4:30 देन आफ्टर लास्ट टाइम दिया है तो पहले आप ये देख लीजिए, लिख दीजिए, राइट। तो यहाँ पे 30 तो कुछ तरह कुछ इस तरह से आपको दिया है।
चार, फिर चार बजकर पंद्रह मिनट, फिर चार बजकर तीस मिनट, अभी कितने हुए, चार बजकर पैंतालीस मिनट, राइट, यानी कि 4:45. सो हियर इज द चैप्टर इज नाउ कंप्लीट. यस, आपको इसमें सिर्फ इस एक चैप्टर को पूरा ही नहीं करना है, पर आपको क्या करना है, आपको समय यानी कि घड़ी को देखना और उसमें कितने बजे हैं वो भी आपको लर्न करना है, राइट. सो जब भी आपको टाइम मिले, वॉच इन द क्लॉक एंड थिंक दैट व्हाट्स द टाइम ऑफ, राइट. तो आपको ये भी सीखना है, तो घड़ी में कितने बजे हैं तो ये घड़ी देखना तो आपको आना ही चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू लर्न दिस वीडियो एंड राइट डाउन इन योर ग्रामर, सॉरी वर्कबुक. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.